हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्सिकाइंड CV-625 टैबलेट के बारे में, जो कि डॉक्टर के पर्चे से मिलने वाली एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, यूसेज, डोज, मोड ऑफ एक्शंस, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और लास्ट में इसके प्राइस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। दोस्तों, ये मैनकाइंड कंपनी की मैन्युफैक्चर टैबलेट है। इसके अंदर अमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लोवेलिनेट 125 mg में होता है। इसमें अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन नाम के एक मेडिसिन ग्रुप की मेडिसिन होती है और क्लोवेलिनिक एसिड बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर नाम के एक मेडिसिन ग्रुप का ड्रग होता है। जान लेते हैं इसके यूसेज। इसका यूज़ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन है। इसका यूज़ खांसी, बलगम वाली खांसी, इन्फेक्शन इन मिडिल एयर यानी कि कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, चोट या घाव लग जाने पर, और साइनस इन्फेक्शन जिसको साइनसाइटिस भी बोलते हैं, साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है वो, नेजल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, COPD, घाव के बाद सूजन वगैरह जो आ जाती है उसके लिए भी इसको दिया जाता है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। वैसे तो इसकी डोज पेशेंट की कंडीशन और बॉडी वेट पर डिपेंड करती है कि इसको किस डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन दी जा रही है। बाकी अगर नॉर्मल डोज की हम बात करें तो 1 टैबलेट सुबह शाम आप दे सकते हो पेशेंट को, और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर 3 से 4 बार भी एक दिन में दी जा सकती है। इसकी एक दिन की मैक्सिमम डोज 4000 mg होती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। बाकी अब जान लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शंस की, ये कैसे काम करती है टैबलेट। मोक्सिकाइंड CV-625 टैबलेट में दो अलग अलग जो हैं मेडिसिन होती हैं, यानी कि दो अलग अलग साल्ट होते हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एक साथ काम करते हैं। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के विकास को रोक कर काम करता है और क्लेवोलेनिक एसिड प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ एमोक्सिसिलिन के एक्शन को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस। इसको अल्कोहल के साथ लेने पर वैसे तो कोई नुकसान नहीं है और ना ही अल्कोहल इस मेडिसिन के काम को रोकती है, मगर सेफ्टी एडवाइस यही रहती है कि इसको अल्कोहल के साथ आप ना लें, क्योंकि किसी किसी को डिजीनेस वगैरह हो जाती है अल्कोहल के बाद। बाकी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस दवा का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब स्पष्ट रूप में आवश्यकता हो। बाकी अब इसके जान लेते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। जिन लोगों को ये ड्रग से एलर्जी है वो इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। जिनको लीवर डिसीज़ या लीवर डिसीज़ की कोई भी हिस्ट्री रही है वो इस टैबलेट के यूज़ करने से बचें या अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करें। जॉइंटिस वाले को बिल्कुल नहीं देनी है, वरना सीवियर लीवर डैमेज की कंडीशन बन सकती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जैसे वारफेरिन आदि के साथ नहीं लेना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ नहीं लेना है। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड जिन पेशेंट में होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है, उनको इस टैबलेट को लेने से जो है थोड़ी बहुत स्टोमक अपसेट की प्रॉब्लम बन सकती है। डायरिया वाले पेशेंट को नहीं देना है। ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको भी आपको ये टैबलेट नहीं देनी है। अब जान लेते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से किसी किसी को वेजाइनल इचिंग हो सकती है, वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हो सकते हैं, या मेल्स की बात करें तो डायरिया और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मेल्स फीमेल्स ही तो दोनों में हो सकती है। ये कुछ नॉर्मल से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई ज़्यादा खास मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं नहीं। तो यदि आपको इससे अलग कोई भी अब एबनॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट अब आपको देखने को मिलते हैं अगर, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। अब जान लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस। दोस्तों, ये मैनकाइंड वाली मोक्सिकाइंड CV-625 के नाम से जो आती है, इसके प्राइस लगभग 154 से लेके 155 यानी कि 154 से लेकर 155 तक के आसपास में 10 टैबलेट की ये स्ट्रिप आती है। और इसका एक दूसरा ब्रांड भी आता है मार्केट में एग्यूमेंटिन 625 के नाम से, जिसकी टैबलेट 201 रुपये की 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, यानी कि वो समथिंग 20 रुपये की एक टैबलेट पड़ेगी आपको, और ये वाली समथिंग 15 रुपये की टैबलेट पड़ेगी मैनकाइंड वाली। रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं। मैनकाइंड तो इंडिया की सबसे नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोक्सिकाइंड CV-625 या एग्यूमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।